हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एनसीईआरटी एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर टू, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ की शेप होती है वो जियोइड होती है, मतलब जो हमारी अर्थ है वो पोल्स से फ्लैटेंड होती है। और अब अभी इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो पोल से तो वो होती है फ्लैटेंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से वो दबी हुई सी होती है, और जो सेंटर से होता है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, मतलब बल्ज शेप की होती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें इस ग्लोब में दिख रहा है, ऊपर की तरफ तो जैसे दबी हुई होगी, और यहाँ से जो बीच में अगर हम सेंटर में से लाइन खींचे तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी सी बल्ज दिखेगी। तो जो एक ग्लोब होता है ना, वो ग्लोब हमें अर्थ की एक तरह से ट्रू पिक्चर दिखाता है। उसमें हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ से वो बल्ज है, कहाँ से उसके डिफरेंट लाइंस जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थ पे बने हुए नहीं हैं, वो ह्यूमन ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, ताकि हम ईजिली टाइम डेट ये सब चीज़ें और वेरियस लोकेशंस का हम पता कर सकें। तो इसीलिए ह्यूमन ने ग्लोब बनाया और ग्लोब पे वेरियस लाइंस बनाई, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बताया जाता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था एक पोजीशन बताना, जैसे कि स्फीयर जैसी शेप है अर्थ की, इस पर। तो हमने क्या किया, हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी। द नीडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड द एक्सिस। मतलब ये जो जैसे है, देखिए ये सीधा नहीं रखा हुआ, ये हल्का सा टेढ़ा रखा हुआ है। टेढ़ा है क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड होती है अपनी एक्सिस पर 66.5 डिग्री पे, तो इसलिए इसको ग्लोब को थोड़ा सा टिल्टेड हम लोग बनाते हैं। और टू पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास, मतलब जो ग्लोब हम लोग बनाते हैं इसकी नीडल पास होती है टू पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हम लोग जो ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं, जो कि हमारी डायरेक्शन है अर्थ के घूमने की। तो अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है, अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में कि डायरेक्शन ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो अर्थ की मूवमेंट की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। तो हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी अर्थ पे, ताकि हम इजीली वेरियस लोकेशन टाइम डेट वगैरह ये सब चीज़ें पता कर सके। तो अर्थ के बीचों बीच हमने अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो बिल्कुल बीचों बीच से लाइन गुजारी हमने, उसको हमने नाम दे दिया इक्वेटर। और फिर इक्वेटर के बनने से एक नॉर्थ वाला हो गया जो ऊपर की तरफ था, और एक साउथ पार्ट बन गया जो नीचे की तरफ था। तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलने लगे नदर्न हेमीस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलने लगे सदर्न हेमीस्फीयर। नदर्न क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और हेमीस्फीयर क्यों, क्योंकि एक स्फीयर होता है एक गोला, हेमीस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला। तो हमने इक्वेटर बना दिया, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब दो अर्थ दो दो हेमीस्फीयर्स में डिवाइड हो गया, इसलिए हम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमीस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और वो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। देयरफोर द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेज ऑन द अर्थ। तो हमारी जो इक्वेटर है वो सर्किल है एक, क्योंकि अर्थ तो गोल है, तो अर्थ के बीच में से किसी गोल सर्कल के हम बीचों बीच से कोई लाइन खींचेंगे तो वो उसको पूरे को कवर करेगी एक सर्कल की फॉर्म में। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और जैसे कि इस वाली फिगर में हम देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल डॉट 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 करके जो लाइन बनाई हुई है, ये इक्वेटर है। और इससे ऊपर ये 1, 2, 3, 4, ये जो चार लाइंस इसके ऊपर बनाई हुई हैं, जिसपे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60, 80 ये लिखा हुआ है, इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब देखिए, ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है और कई बार हम याद नहीं रख पाते हैं। तो आप यहाँ पर ही अच्छे से समझ लीजिए कि जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ हम जाते जाते हैं, जो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब उनका जो आपस का एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, और वो सर्कल्स बनाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और जो लैटिट्यूड्स हैं वो हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। तो देखिए, ये लिखा हुआ है ना, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, फिर इससे ऊपर ये वाली लाइन बनी हुई है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री और 80 डिग्री। और जब हम इक्वेटर से नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर सिमिलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, इस टाइप से।
तो जैसे हम इसमें आगे बताया हुआ है कि इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द ईदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ। क्योंकि हम लोग इक्वेटर जो होता है वो जीरो डिग्री डिनोट करता है और वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो पोल से इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1/4 सर्कल राउंड द अर्थ। तो मतलब इसमें हमें क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स टू द ईदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल ऑफ द अर्थ। जो पूरा सर्कल होता है ना इक्वेटर से लेकर के किसी भी एक पोल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक चौथाई भाग होता है वो। और ये जो पूरा सर्कल जो मेजर होता है वो होता है 360 डिग्री में, क्योंकि सर्कल का जो पूरा मेजरमेंट होता है वो तो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। इसलिए जो पोल की जो डिग्री होती है वो होती है 90 डिग्री। अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके आप देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो ये है। तो हम लोग पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है, इक्वेटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो 1/4 होता है सर्कल का, इसलिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 90। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो मार्क करता है साउथ पोल को। और ऑल पेलर्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जैसे कि हमने बताया जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है वो होते हैं नॉर्थ, नॉर्थ नदन पार्ट होता है वो, तो उसको नदन लैटिट्यूड बोलते हैं। और नीचे की तरफ वाले लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सदर्न लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ देयरफॉर फॉलोड बाय इधर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ अगर नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा ना कि ऊपर साइड वाला इक्वेटर से ऊपर है कि इक्वेटर से नीचे है, इसलिए हम उनको नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में और बेलो, चंद्रपुर महाराष्ट्र में और बेलो जो ब्राज़ील में है वो बिल्कुल एक ही लैटिट्यूड पे हैं, जो कि है 20 डिग्री लैटिट्यूड। कैसे, क्योंकि हमने पूरी अर्थ को लिया हुआ है, ब्राज़ील और जो इंडिया है वो इसी डायरेक्शन में इस तरीके से पोजीशन उनकी बनी हुई है कि जो महाराष्ट्र में जो ये जगह है बेलो और ब्राज़ील में कोई जगह है उसका जो लैटिट्यूड है वो बिल्कुल सेम ड्रॉ होता है, सेम पड़ता है। बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ। ब्राज़ील जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, इक्वेटर के नीचे आता है, तो ब्राज़ील की जो जगह है वो 20 डिग्री साउथ पे है और मुंबई की जो जगह है वो है 20 डिग्री नॉर्थ पर। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड। हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर जो पैलर्स ऑफ सर्कल, सर्कल ड्रॉ करते हैं जो आपस में पैलर होते हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं जिनका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होता है 20 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। और देखिए इक्वेटर के नीचे से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल क्योंकि नीचे है आर्कटिक है, नीचे जो हमारा कॉन्टिनेंट है आर्कटिक और ऊपर क्या है हमारा आर्कटिक ओशन है ना, तो उसी के नाम पर आर्कटिक सर्कल बनाया हुआ है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है 23.5 डिग्री साउथ पर है, और ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और ये आर्कटिक सर्कल सॉरी एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ और आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ पे है, एंड हाफ नॉर्थ पे। अब आगे हमें हीट जोन्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं इस फिगर में इक्वेटर के पास क्या होता है, अर्थ की सीधी रेस पड़ती हैं, सीधी रेस पड़ती हैं तो ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो बीच वाला जो ग्रीन कलर का जोन है इस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सन की सीधी रेस पड़ती हैं। इसके आगे हम जब जाते हैं तो हमारा टेम्परेट जोन आ जाता है, मतलब जो गर्मी है वो कम हो जाती है और थोड़ा ठंडा मौसम रहने लगता है। 23 डिग्री हाफ नॉर्थ के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसमें गर्मी कम हो जाती है, थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो इन वाले एरिया को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। जो ये थोड़ा ऑरेंज सा, ऑरेंज तो नहीं है ये येलोइश ऑरेंज जो भी पीच कलर है ये वाला जो एरिया है ये है हमारा टेम्परेट जोन, ये जो ग्रीन ग्रीन सा एरिया है ये होता है हमारा टॉरिड जोन। और हम 66 डिग्री
बोथ नॉर्थ एंड साउथ से जब हम आगे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो आगे हमें इसी को ही बताया गया है, हीट जोन्स के बारे में हमें बताया हुआ है। मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवर हेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब क्या है कि जो ये टॉपिक ऑफ कैंसर है और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, हमें इस फिगर में दिख रहा है, इन दोनों के बीच में सन हमेशा ओवरहेड मतलब बिल्कुल हमारे सर के ऊपर दोपहर में हमेशा एक ना एक बार साल में ज़रूर होगा, और इसके पार जब हम जाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये जोन जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है और इसलिए हम इसे बोलते हैं टॉरिड जोन। द एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से जब आगे हम लोग जाते हैं तो सन कभी भी ओवर हेड नहीं होता है, तो जो हमारा हीट होती है ना उन वाले एरियाज़ में कम होती है, जो सन का एंगल है वो कम होता जाता है। सन की रेज़ का एंगल सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर से जैसे हम आगे 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 बढ़ते जाते हैं तो उसका एंगल जो है वो कम होता जाता है और उसकी जो हीट है वो भी कम हो जाए होती जाती है। तो आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल पे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो हमारा टेम्परेट जोन कौन सा हुआ? टेम्परेट जोन हमारा ये वाला हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जब एंगल बढ़ता जाता है 23 डिग्री हाफ साउथ 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से आगे वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, और 66 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ से आगे वाला जो होता है 90 तक का उसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अब हम आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स हमारे कंप्लीट हो गए। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? पैरेलल्स होते हैं, सर्किल जो पैरेलल होते हैं आपस में, और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। अब जब हम लॉन्गिट्यूड हम बना रहे थे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, लैटिट्यूड बनाने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने अर्थ को आराम से हाफ बांट दिया, क्योंकि अर्थ स्फेयर थी तो हमने बीच का उसका डायमीटर लिया और हाफ हाफ उसको डिवाइड कर दिया। अब जब हमें लॉन्गिट्यूड बनाना था, लॉन्गिट्यूड होती है लाइन्स जो लंबी लंबी होती हैं, तो अब क्या हुआ, अर्थ फ्लैट तो है नहीं, अर्थ तो स्फेयर है, तो इस टाइम पे उसका सेंटर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। तो फिर क्या हुआ, सब ने उस टाइम पे क्या था कि जो यूके था वो पूरे वर्ल्ड का लीडर था, तो उन्होंने डिसाइड किया एक ग्रीनविच मरीडियन होगी, जो ग्रीनविच एक शहर है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ से पास करेगी और उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड मानेंगे। तो अब इसमें हम लोग को आगे, हाँ, और ये जो मरीडियंस हैं हम लोग इनको बोलते हैं, जो लाइन्स हैं इनको हम बोलते हैं मरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसमें आगे बताया गया है, ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। तो इसमें भी जैसे उसमें हमारे लैटिट्यूड्स में डिग्री होती थी, इसमें भी डिग्री होती है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल में 180, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके घटती जाती है घटती जाती है घटती जाती है, और 0 डिग्री मैंने आपको बताया ग्रीनविच मरीडियन जो है, जो ग्रीनविच एरिया है वहाँ से पास होती है, उसको हम कहते हैं ग्रीनविच मरीडियन, और उसको हम लोगों ने 0 डिग्री माना हुआ है। और उससे जब हम लोग ईस्ट की साइड आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी डिग्री बढ़ती जाती हैं, वेस्ट की साइड बढ़ते हैं तो वेस्ट की साइड डिग्री बढ़ती जाती हैं। और हमने जो डिग्रीज़ हैं उनको फिर फर्दर आगे भी डिवाइड कर दिया है मिनट्स में, मिनट्स को सेकेंड में। फिर आगे हमें बताते हैं कि ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये हमारे सेमी सर्कल होते हैं, दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडिली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल्स वेयर ऑल द मरीडियंस मीट। तो ये क्या होती है, हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनका जो डिस्टेंस होता है वो पोल्स पे जाके कम होता जाता है, पोल्स तक पहुँचते पहुँचते और सारी की सारी पोल पर जाके मिल जाती हैं। देखिए इस फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी की सारी जो मरीडियंस हैं ये पोल पे आके मिल गई हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो पोल पे जाके मिल जाते हैं, लैटिट्यूड्स कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं, वो पैरेलल होते हैं। अब इसमें ये देखिए आगे हमें यहाँ बताया हुआ है, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मरीडियंस आर इक्वल इन लेंथ। लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनकी लेंथ कम हो जाती है पोल की तरफ जाते हुए, मगर जो ये मरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं इनकी जो लेंथ होती है ये बिल्कुल इक्वल होती है। तो हम लोगों को बड़ा मुश्किल था इनको नंबर कर पाना। हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मरीडियन विच पास टू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। दिस मरीडियन इज कॉल्ड द प्राइम मरीडियन। तो हमने जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी जिसका नाम था ग्रीनविच,
तो उससे हमने कहा कि हम लोग मरीडियन को पास करेंगे, 0 डिग्री मरीडियन, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मरीडियन। और 0 डिग्री मरीडियन से ईस्ट और वेस्ट साइड में हम लोग जाते हैं, तो 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में होता है। तो ये जो मरीडियंस हैं ये अर्थ को डिवाइड करती हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो अब बताइए इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आएगा? इंडिया आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, और ये जो USA, कैनेडा, ये सब आते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो जैसे कि हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के दोनों जब हम अपनी ग्लोब पर ड्रॉ करते हैं तो एक ये ग्रिड पैटर्न बनता है, मतलब देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं। जब एक पॉइंट हम लोग देखना चाहें ना, हम ऐसा मान लीजिए जैसे कि एक दूसरे को काट रहे हैं, काटते हैं तो एक पॉइंट बनता है, उस पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर हम किसी को बता दें तो उस प्लेस के बारे में बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है कि वो प्लेस कहाँ पर होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फिर एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। धुबरी जो है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो हम इजीली जब ड्रॉ करेंगे तो उसकी पोजीशन आसानी से बता सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। हाँ देखिए जैसे कि आप अगर पेपर पे सीधी और नीचे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जो ऊपर की तरफ हो और एक जो लेटी हुई लाइंस है उनको ड्रॉ करेंगे तो उन पे बीच में पॉइंट्स जो आएंगे उसमें हम उनको लैटिट्यूड एक और दूसरे को लॉन्गिट्यूड मान के हम उसका पोजीशन आराम से पता कर सकते हैं। अब आगे हमें इसमें है हमारे टाइम जोन्स। टाइम जोन्स को हम कैसे पता करेंगे? टाइम जोन्स के लिए लॉन्गिट्यूड की हम लोग हेल्प लेते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ मून एंड द प्लैनेट। सबसे ज़्यादा अच्छा वे होता है टाइम को पता करने के लिए कि हम मेजर कर लें अर्थ मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट को। सन रेगुलरली राइज होता है और रेगुलरली उगता है और रेगुलरली छुपता है, और जो ये होता है ये बेस्ट टाइम बताने वाली चीज़ होती है वर्ल्ड में। लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शेडोज कास्ट बाय द सन। हम लोकल टाइम बता सकते हैं जैसे पुराने ज़माने में होता था, जो हमारी परछाई पड़ती थी उसके हिसाब से हम लोग बता पाते थे कि टाइम क्या चल रहा है। जो शेडो होती है वो सबसे छोटी होती है दोपहर के टाइम, और सबसे लंबी होती है जब सूरज उगता है, सनराइज और सनसेट के टाइम वो सबसे लंबी होती है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। जब प्राइम मेरिडियन पे, जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच में जो यूके में, उसमें जब सबसे ऊपर स्काई होगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसको हम मानेंगे कि दोपहर हो गई है, दोपहर के 12 बज गए हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो रोटेट करती है, घूमती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, तो जो ईस्ट डायरेक्शन में है ग्रीनविच से वो उससे आगे होता है टाइम। मतलब अगर ग्रीनविच पे मान लो 12 बज रहे हैं, तो अगर उससे जो ईस्टर्न साइड में है तो इंडिया में 12 से ज़्यादा बज रहे होंगे, और वो उसके हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत होती है टाइम निकालने के लिए, लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन होता है। तो हमें इसमें बताया गया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री, हमने पढ़ा था 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर। एक तो हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। और हम लोग 60 बाय 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, तो यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट में। सिंपल सी मैथ्स की कैलकुलेशन है, हम इजीली कर सकते हैं। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 4 = 60 मिनट। 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। तो 15 डिग्री जो ग्रीनविच से आगे होगा, ग्रीनविच को तो हम नून मानते हैं, 12 नून, जब ग्रीनविच पे सबसे ऊपर सन होगा तो हम उसको मानेंगे कि वहाँ पे 12 बज गए हैं। उससे 15 डिग्री आगे जो भी टाइम होगा उसमें 1 बज जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। तो ऐसे ही हम किसी भी, जिसका भी हमें लॉन्गिट्यूड पता होगा कि कौन सी जगह कौन सी लॉन्गिट्यूड पे है, तो हम उसका टाइम निकाल सकते हैं ग्रीनविच के रेस्पेक्ट में। तो अब हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या होता है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, हम लोगों ने लिया हुआ है 82.5 डिग्री ईस्ट। इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और ईस्टर्न साइड में है इंडिया, तो हम लोगों ने 82.5 डिग्री ईस्ट है,
82.5 डिग्री ईस्ट का क्या मतलब है? ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, हमने इसको अपना स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है। 82.5 डिग्री ईस्ट का मतलब है कि ये ग्रीनविच मरीडियन जो है, प्राइम मरीडियन जो 0 डिग्री है, उससे 82.5 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अब आप बताइएगा कि वो हमारा ग्रीनविच मरीडियन से, प्राइम मरीडियन से कितना दूर है और कितने घंटे का डिस्टेंस है। 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, तो 15 6 जा कितना होता है, आप इस तरह से 15 5 जा 75, 15 6 जा कितना होता है, 15 6 जा होता है 90, तो 90 से तो कम होगा, तो 82 है, तो हमारा कुछ लगभग 5.5 घंटे का अंतर आता है। मतलब हम प्राइम मरीडियन से, हमारे इंडिया का जो टाइम है वो लगभग 5.5 घंटे आगे है। अब हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मरीडियंस आर बाउंड टू डिफर, मतलब जो अलग अलग मरीडियन पे होते हैं उनका टाइम अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लैटिट्यूड, क्योंकि अलग अलग लैटिट्यूड पर जैसे हम जाते जाते हैं हमारा टाइम चेंज होता जाता है। जो हमारा द्वारका है गुजरात में और डिब्रूगढ़ है, उसमें टाइम का जो डिफरेंस है वो है 1 आवर 45 मिनट्स का। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड करने के लिए, कि दिक्कत ना हो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए देश के, हम लोगों ने स्टैंडर्ड मरीडियन बनाई है। तो हम इसको 82.5 डिग्री ईस्ट वाले जो मरीडियन बनाई है, इसके बेसिस पे हमने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है, और पूरे के पूरे देश में हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मरीडियन। अब इसमें यह है कि जो कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट अ डे एंड, इसमें हमें मैच के बारे में बताया हुआ है कि मतलब टाइम लंदन में क्या हो रहा है, लंदन में 2 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में कितने बजेंगे, वो हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82.30 डिग्रीज इज 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। GMT का मतलब है ग्रीनविच टाइम, ग्रीन मरीडियन जो टाइम है वो वाला है। फिर अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं, अगर जो प्राइम मरीडियन है वहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में क्या बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे। तो इसी टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसका 1 घंटा होता है, तो जितने ज़्यादा ज़्यादा हमारे डिग्री बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना टाइम निकाल सकते हैं। सो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट है और समझने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, आप 2-3 बार इसको देखिए, डेफ़िनेटली समझ आएगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी, और सिंपलिस्टिक वे में दोबारा वीडियो बनाऊँगी और ज़्यादा बेसिक से। वैसे मैंने बिल्कुल बेसिक से ही बताया है, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।